किसान प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी कृषि को और बेहतर बना सकते हैं, इस चीज की जानकारी, और किसान कैसे मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाएं, मौसम के अनुसार कैसे अपनी किसानी को और बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर अपन कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं कि कैसे खाद जो बनाए जाते हैं, जो किसान भाई जो खाद यूज करते हैं, तो कैसे प्राकृतिक संसाधनों से केचुए के खाद हो या फिर जो वेस्टेज पार्ट होते हैं किसानों के, जो कृषक के जो वेस्टेज पार्ट होते हैं, या फिर धनकट्टी की बात कर ली जाए तो धान काटने के बाद जो पुआल बचते हैं या फिर बाकी जो चीजें होती है उससे कैसे खाद बनाया जा सकता है, केचुए का खाद कैसे बनाया जाता है, ये सारी जानकारियां इस स्टॉल में मिल रही। साथ ही साथ देखिए, किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो मौसम होता है, क्योंकि अगर मौसम का पूर्वानुमान और मौसम के अनुसार अगर खेती ना करें तो किसानों को नुकसान होता है। तो किसानों के लिए मौसम कैसे वो जानेंगे कि अब मौसम में, क्योंकि हाल के दिनों में ये देखा गया कि मौसम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मौसम थोड़ा लेट भी हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ जो है ये मौसम कृषि मौसम विभाग है हमारा, इसमें हम लोग हर मंगलवार और शुक्रवार को आने वाले 5 दिनों में कैसा मौसम रहेगा इसके लिए, इसकी हम लोग पूर्वानुमान बताते हैं, इसका फोरकास्ट करते हैं। और सिर्फ फोरकास्ट ही नहीं करते हैं, उसके बारे में पूरा, ये देखिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है, इस तरह का बुलेटिन हम लोग निकालते हैं। इसमें ये दिखाते हैं कि हर जो अभी लगा हुआ है फसल, स्टैंडिंग क्रॉप है, उसमें क्या क्या करना है उस मौसम को देखते हुए, इसकी भी जानकारी हम विस्तृत देते हैं उसमें, जिससे किसानों को बहुत फायदा होता है। ये देखिए, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, इसमें भेजते हैं, इस तरह से किसान अपना भेजते हैं व्हाट्सएप में कि हमारे यहाँ ये बीमारी लगी हुई है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग उसका उत्तर भी देते हैं ताकि तत्काल उन लोग का सॉल्यूशन हो जाए। पर भी हम आपको ले जाएंगे इस स्टॉल पे, हमने दिखाया कि कैसे प्राकृतिक संसाधन घास जो फूस होते हैं, जो वेस्टेज पार्ट होते हैं फसल के, उन वेस्टेज पार्ट से कैसे हम खाद बना सकते हैं, और जो बाकी जो खेती होती है उसमें कैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कई स्टॉल लगे हुए हैं मेले में, और उस मेले में किसानों को नई तकनीक के साथ साथ, जो नई तकनीक के साथ कैसे आय, किसानों का जो आय है वो दोगुना हो सके, क्योंकि लगातार राज्य सरकार भी इसको लेकर लगातार काम कर रही है किसानों को आय को लेकर, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या फिर राज्य सरकार की बात हो, तो किसान की आय कैसे बढ़े इसको लेकर लगातार जो है सरकारें काम कर रही है। देखिए कैसे जो निचली हर भूमि में जो है अलग अलग तरीके से खेती होती है, तो जो अपर भूमि होती है उसमें किस तरीके की खेती हो सकती है, और नीचे जो जिस पर पानी की कमी नहीं होती, जिस पर लगातार पानी का रिसाव होता है, उन खेतों पर कैसे हम खेती कर सकते हैं, इसकी एक पूरी जानकारी है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। ये पूरा इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम जिस पर हिंदी में बोलते हुए समेकित कृषि प्रणाली, ये सब किसान के लिए अलग अलग होता है। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो अलग मॉडल होगा, अगर कम जमीन है तो अलग मॉडल होगा, अगर नहीं भी जमीन है तो अलग मॉडल होगा, तो सब मॉडल के लिए अलग अलग बनाए। लेकिन हम लोग जब इधर से आए हैं वो एक एकड़ के लिए बनाया गया है। एक एकड़ के लिए क्या है कि जो भी हमारा कंपोनेंट्स है, जितने भी कंपोनेंट्स है उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन कम से कम फसल चक्र तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर फसल चक्र लगा रहे हैं उसके साथ आपको गव यूनिट है, गव यूनिट में 2 गाय रखते हैं, उसके बाद आपको केचुआ लगाना है, मशरूम लगाना है, उसका मत्स्य मधुपालन और बकरी रखना है, ये सब सिस्टम अगर आप रखते हैं तो आपको अपना सिस्टम से बहुत ही फायदा आएगा, बहुत आपको साल में कम से कम 2 लाख रुपए आपका शुद्ध मुनाफा मिलेगा। इस तकनीक में आप कम संसाधनों पे कम पैसे की लागत से आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और झारखंड की जो संरचना है उसके हिसाब से पूरा ग्राफिकल बताया जा रहा है किसानों को, इस मेले में जो किसान आएंगे वो कैसे किसान जो कम एरिया पे कैसे अपना मुनाफा है वो दुगना कर सकते, मुनाफा बढ़ा सकते, इसकी एक तकनीक यहाँ पे बताई जा रही है। तो ऐसे और भी कई स्टॉल्स हैं, उसमें किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा कैसे स्टॉल और भी लगाए गए, हम उन स्टॉलों पर भी आपको ले जा रहे हैं। एक गाय की कॉस्ट आपको 50,000-60,000 के आसपास में पड़ेगी। आपको रकम से घबराना नहीं है, आप कोई भी ग्रामीण बैंक या फिर आप नाबार्ड में जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी सरकार की तरफ से भी, बैंकों के भी तरफ से भी, आप कोई भी गाय का पालन करवा सकते हैं। और गाय एक ऐसी चीज है जिससे दूध से लेकर उसका गोबर तक हर चीज उपयोग में आता है। आप उसके गोबर से गोबर गैस बना सकते हैं जिससे बहुत सारे घरों का चूल्हा जल सकता है, और दूध तो आप जानते हैं कि आप बेच के बहुत उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये हमने 10 गायों के ऊपर में एक छोटा सा फार्म बनाया है,
जिसमें कि आपको कॉस्ट शुरू में 10 लाख के आसपास में लगेगी। 10 लाख टोटल कॉस्ट इसमें ऐसे है, पहला इसमें दो तरह का कॉस्ट होता है, एक है जो कॉस्ट आपको बनाने में लगता है, जो आपको एसेट में दिखता है कि हाँ मेरे पास ये चीज हमेशा के लिए रहेगा, और दूसरा कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जिसमें कि आप जानवर लाते हैं, आप उसके खाने को लाते हैं, उससे जुड़ी बाकी वस्तुओं को लाते हैं, जो कि 5 लाख का कॉस्ट में पड़ता है, और बाकी का 5 लाख कॉस्ट आपका हमेशा के लिए वो एसेट बन के आपके पास रह जाता है। ये सिस्टम जो हमने बनाया है, ये हेड टू हेड सिस्टम इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, आप दोनों तरफ गायों को आमने सामने में रखते हैं, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके फार्म को प्रोवाइड होता है। अगर किसी भी तरह का बीमारी अगर किसी भी पशु में एक तरफ फैलता है, तो इस सिस्टम में इतना अच्छा वेंटिलेशन है कि उस बीमारी को वो दूसरे तक फैलने नहीं देगा, वो यहीं पर जब तक ये उसमें फैलेगा हमेशा यहाँ पे एक वेटनरी डॉक्टर रहेगा, जिसको पशु चिकित्सक भी बोलते हैं, वो आएंगे, उनको देखते रहेंगे, और जैसे उसको उनको कुछ लगता है वो तुरंत उस गाय को वहां से निकाल के आइसोलेशन रूम में रखेंगे। आइसोलेशन रूम एक ऐसा रूम है जिसमें कि बीमार पशुओं को रखा जाता है ताकि उनका उपचार से आइसोलेशन रूम भी बने हुए इसमें आइसोलेशन रूम भी बने हुए हैं। वो रूम बेसिकली ऐसा चीज है जिससे कि कोई भी अगर बीमारी किसी भी पशु को होता है तो वो फैले ना, उसको आइसोलेशन रूम में अलग से रख के उसको उपचार दिया जाए, और जब वो ठीक हो जाए तो वापस से लाके इस फार्म में उसको सभी के साथ में रखा जाए। ये तो गाय पालन थी, बकरी पालन भी है, सुगर पालन भी, इस तरह के तमाम जो तरीके हैं वो है। तो बकरी पालन को लेकर क्या, बकरी पालन अगर कम लागत में आपको कोई भी चीज की पालन करनी है, कोई भी पशु की, तो उसमें बकरी पालन एक बहुत बढ़िया चीज होता है। इसको हम चलता फिरता बैंक भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि कभी भी अगर आपका बकरी एक अच्छे उम्र का हो गया है, अगर आप उसको बेचते हैं तो वो तुरंत आपको 10 से 15 हजार का मुनाफा दे सकता है। ये जो हमने बनाया है इसे हम कहते हैं सेमी इंटेंसिव, इसका मतलब होता है अधिग्रहण प्रणाली। इसका मतलब है कि बकरी कुछ देर जब रात का समय रहेगा तो वो घर शेड के अंदर रहेंगी, और बाकी के समय में वो बाहर में अपना चरती रहेंगी, जिससे कि बकरी के ऊपर कोई भी लोड नहीं रहता है कि वो हमेशा बंद है, वो खुले में भी रह सकती है और चाहे मन किया तो वो अंदर में भी रह सकती है। ये जो हमने मॉडल बनाया है वो हमने जिसमें सबसे 20 मादा बकरी को जो हमने रखा है, और उसके कंपैरिजन में हमेशा बकरी का जो फार्म बनता है उसमें नर और मादा का रेशियो होता है 1:10 का। इसमें हमने 20 मादा रखा है और इधर बक को हमने रखा है। इसमें क्या है, इसमें भी वैसी जिस प्रकार से कैटल के रूम में रहता है इसमें भी वैसा ही है। इसमें भी एक क्वारंटाइन रूम होता है। क्वारंटाइन रूम का मतलब होता है कि अगर हम किसी और जगह से कहीं बाहर के मार्केट से किसी बकरी को खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले हम उसको सबके साथ नहीं मिला के रख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि बाहर में कौन सी बीमारियां फैली हुई थी और उसके पास कौन सा बीमारी है। उसको हम पहले लाएंगे बाहर, सबसे बाहर में गेट के पास बनी हुई क्वारंटाइन रूम में उसे रखेंगे, उसे बढ़िया तरीके से जज करेंगे कि हाँ उसमें कोई अलग तरह का लक्षण तो नहीं, और अगर वो सब चीज ठीक रहेगा तभी हम उसको सबके साथ मिलाएंगे, नहीं ठीक रहेगा सामने ही हमें हम डॉक्टर का भी रूम रखे हैं, वो डॉक्टर वहाँ पे जाएंगे उसको ठीक करेंगे, जितना जरूरत पड़ेगा उसको सब चीज लगाएंगे। कम से कम 30 दिन तक हम लोगों को देखना है कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद फिर आइसोलेशन रूम है जहाँ पे अगर कोई भी बकरा या बकरी बीमार होती है तो उन लोगों को उस रूम में रखा जाता है, और वहाँ भी उनका देखा रहता है, जब तक उनका बिहेवियर, उनका चलने का, खाने का ढंग जब तक सही नहीं हो जाता तब तक हम उसको उसी रूम में रखेंगे। इसको हमने बनाया है अधिग्रहण प्रणाली है ये, जिसमें हम बकरा बकरी को आधे देर बाहर रखते हैं और आधे देर घर के अंदर रखते हैं। हमने इसको दो प्लॉट में डिवाइड किया है दो तरीके से। जब एक साइड का बकरा बकरी खा लेते हैं, जब ये खत्म हो जाते हैं तो हम उसे दूसरी और रखते हैं, जहाँ का वो घास खाते हैं तब तक दूसरे ये 12 स्क्वायर एरिया पे है। ये 50 बकरी के लिए रखा है। तकनीक से जब किसान बकरी पालन या गाय पालन करते हैं तो इस तकनीक से जब करते हैं तो उस तकनीक में किसान को नुकसान नहीं होता, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है जब किसान इस फार्मिंग करता है या फिर बकरी पालन गाय पालन करता है तो एक साथ कई बकरियां या गाय जो है बीमार पड़ते हैं, डेथ करते हैं। लेकिन वो कब होती, जब एक बकरी या गाय बीमार पड़ता है जब उसको हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, एक साथ जब उनका घुलना मिलना होता है तो जो बीमारी है इंसानों की तरह जानवरों में भी फैलती है, तो उससे क्या होता है किसानों को नुकसान होता है। तो इस तरह की कई तकनीक इस मेले पे किसानों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा था कि नई तकनीक के साथ नए उपकरणों के को समझ सकते हैं और नए उपकरणों के साथ अपनी किसानी में मदद लेकर झारखंड को और किसान के क्षेत्र में उत्थान कर सकते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं किसान मेले पर जहां किसानों को समझाया और बताया जा रहा है, नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ कैसे
कम आय पे मुनाफा ज्यादा कर सकते हैं, इस तरह की तकनीकों को भी बताया जा रहा है। सहयोग प्रवीण के साथ टीवी 45 चित्रन कुमार रांची।